दक्षिणी असम के मध्य में बसा सोनबील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मौसमी आर्द्र भूमि है, जो कृषि उत्पादकता और पारिस्थितिकी समृद्धि का अनूठा मिश्रण पेश करती है। सोनबील को जो चीज वास्तव में उल्लेखनीय बनाती है वह है साल भर इसकी दोहरी पहचान। सर्दियों से मार्च तक यह चावल की खेती के लिए एक विशाल खेत के रूप में कार्य करता है। मानसून की बारिश के साथ इसके किनारों पर झिलमिलाती झील में तब्दील हो जाता है। सोनबील का मौसमी कायापलट मणिपुर से निकलने वाली शिंगला नदी द्वारा किया जाता है। जैसे जैसे बारिश तेज होती है, झील की उथली गहराई के कारण यह उफान पर आ जाती है, जो काकरा नदी के माध्यम से कुशलारा नदी से जुड़ती है, जो अंततः बांग्लादेश में बहती है। यह गतिशील प्रवाह न केवल आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है, बल्कि स्थानीय मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देता है, जिससे सोनबील इस क्षेत्र में मछली उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। सोनबील के आसपास का परिदृश्य भी उतना ही आकर्षक है, जो इसके पूर्वी और पश्चिमी परिधि पर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह सुरम्य स्थान सोनबील के आकर्षण को बढ़ाता है, जो इसके शांत जल और मनोरम दृश्यों की तलाश करने वाले आगंतुकों को आकर्षित करता है। इसकी सुंदरता का अनुभव करने का सबसे अच्छा समय मार्च से है, जब झील अपने पूरे चरम पर होती है, सर्दियों की शुरुआत तक। इस अवधि के दौरान सोनबील एक ऐसा नजारा पेश करता है जो बेजोड़ है, जिसमें आकाश और आसपास की पहाड़ियों के जीवंत प्रतिबिंब इसके शांत पानी में दिखाई देते हैं। इसके अलावा सोनबील के ऊपर रात का आसमान सितारों की चादर ओढ़े हुए है, जो अंधेरे में चमकते हैं और झील की सतह से परावर्तित होते हैं, जो एक दिव्य दृश्य पेश करते हैं, जो इसके आकर्षण को और बढ़ा देते हैं। इसलिए सोनबील केवल एक भौगोलिक चमत्कार नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और पारिस्थितिक खजाना है। यह कृषि और मछली पकड़ने के माध्यम से आजीविका को बनाए रखता है, अपने विविध वनस्पतियों और जीवों के साथ प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है, और दक्षिणी असम की प्राकृतिक सुंदरता के बीच एक शांत पलायन प्रदान करता है। जैसे जैसे आगंतुक इसके तटों का पता लगाते हैं और इसके मौसमी लय में खुद को डुबोते हैं, सोनबील प्रकृति और मानव गतिविधि के सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व के एक जीवित प्रमाण के रूप में विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करना जारी रखता है।